हेलो दोस्तों, आप मेरे सामने ये जो फॉर्म देख रहे हो ये एक मल्टीपर्पज़ फॉर्म है। मैं इसलिए इसको मल्टीपर्पज़ फॉर्म बोल रहा हूँ क्योंकि इस फॉर्म में बहुत सारा काम हो जाता है। पहला काम है कि अगर आपका पैन कार्ड खो गया है तो आप डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन अगर करना चाहते हैं तो आपको यही फॉर्म चाहिए। अगर आपका पैन कार्ड में जो डिटेल्स है उसमें आप कोई भी करेक्शन करना चाहते हो तब भी आपको ये फॉर्म फिलअप करके जमा करने होंगे। अगर आप माइनॉर से मेजर हो जाते हो, यानी आपके पास अगर ऐसा कोई पैन कार्ड है जो पैन कार्ड आपने 18 साल होने से पहले बनाए थे, और अगर आप अभी मेजर हो चुके हो, यानी अगर आपका एज अभी 18 क्रॉस कर चुका है, तो माइनॉर से मेजर होने के लिए जो कन्वर्शन है उसके लिए जो रिक्विजिट फॉर्म है वो भी ये सेम फॉर्म है। अगर आप पैन कार्ड में अपना सिग्नेचर चेंज करना चाहते हो तो आपको इसी फॉर्म में ही अगोपिन के पास अप्लाई करने होंगे। तो चलिए आज इस फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या ये फॉर्म आपको यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिए, और मुझे पक्का भरोसा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। देखिए, आपको गूगल में जाके लिखना है एप्लीकेशन फॉर करेक्शन ऑफ पैन कार्ड, तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो है कि NSDL का एक फॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म में आपको क्लिक करने से ही आप ये PDF फॉर्मेट जो है वो देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्म है, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको कुछ अटैचमेंट या एनेक्सर चाहिए। जैसे आपको दो कलर फोटोग्राफ चाहिए, आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। तीसरा जो चीज़ है कि जो चीज़ का करेक्शन करना चाहते हो उसका सपोर्टिंग एविडेंस आपके पास होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको दो कलर फोटोग्राफ फॉर्म के दो साइड में, एक है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा है राइट हैंड साइड, दोनों जगह पे अटैच करने होंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आप जो फोटो अटैच करेंगे इसका नीचे से आपको सिग्नेचर करने होंगे, पर राइट हैंड साइड में यानी यहाँ पे जो आप फोटो अटैच करेंगे यहाँ पे आपको कोई भी सिग्नेचर करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिग्नेचर करने के लिए नीचे अलग से एक बॉक्स दिया गया है। आपको इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ही सिग्नेचर करने होंगे। याद रखिए कि आपको ये फॉर्म ब्लैक इंक में ही फिलअप करने हैं। जब आप साइन करेंगे तब आप एक चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिए कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स का, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स का लाइन को टच नहीं करना चाहिए, यानी कि इस बॉक्स के अंदर ही आपको सिग्नेचर करने होंगे। तो जिसका सिग्नेचर थोड़ा लंबा है उसको शॉर्ट हैंड राइटिंग में, स्मॉल हैंड राइटिंग में छोटा छोटा करके यहाँ पर साइन करने होते हैं। आप यहाँ पे आपको पैन कार्ड का जो नंबर है वो देने होंगे। देखिए ये फॉर्म उन सभी के लिए एप्लीकेबल है जो पहले एक पैन कार्ड होल्ड कर रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास पैन कार्ड है और उसके बाद आप उस पैन कार्ड का कोई भी करेक्शन, चेंजेस या डुप्लीकेट पैन कार्ड का एप्लीकेशन कर रहे हो तभी आपके लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल है। पर ये फॉर्म आप तभी यूज़ नहीं कर सकते जब आप फ्रेश पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर आपको 49A फॉर्म जो है उसको फिलअप करके जमा करने होते हैं। अब एक एक करके देख लीजिए। पॉइंट नंबर वन पे आपको नेम लिखना है, यानी कि आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम देना है। देखिए मैं आपको दो चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं इसको फिलअप करके आप साइन करके फोटो अटैच करके सबमिट कर दीजिए। पर अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो जिस जगह पर आप करेक्शन करना चाहते हैं उसका रेस्पेक्टिव पॉइंट के बाजू में आप एक बॉक्स देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है, तो इस बॉक्स में आपको टिक लगाने होंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन हो रहा है तो आप इस फॉर्म को एज इट इज़ फिलअप कीजिए, और यहाँ पे पॉइंट नंबर थ्री में डेट ऑफ बर्थ के बाजू में जो बॉक्स है वहाँ पर आपको टिक लगाने होंगे, तो जो रेस्पेक्टिव अथॉरिटी है वो समझ जाएंगे कि आपको डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना है। तो अभी ये पॉइंट नंबर वन पर आप अपना नाम और आपका जो फुल नेम, सरनेम, मिडिल नेम है वो सारा दे दे रहे हैं। पॉइंट नंबर टू पे आपको फादर्स नेम और मदर्स नेम देने होंगे। पॉइंट नंबर थ्री पे आपको डेट ऑफ बर्थ देने हैं। पॉइंट नंबर फोर पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। पॉइंट नंबर फाइव में आपको फ़ोटो मिसमैच देना है। अब देखिए फ़ोटो मिसमैच के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ। हम जानते हैं कि जो पैन कार्ड का हम लोग एप्लीकेशन करते हैं वो ऐसा भी होता है कि आप जब 19 साल के उम्र में थे तब आप जो फ़ोटो वहाँ पे दिए थे, और आज आप 35 या 40 साल की उम्र में आ चुके हो तो वो फ़ोटो जो है वो बचपन का फ़ोटो आप चेंज करके अभी आप अपना प्रेजेंट फ़ोटो देना चाहते हो, तो फ़ोटो मिसमैच ऑप्शन पर क्लिक करके आपका जो प्रेजेंट फ़ोटो है वो यहाँ पर दे दीजिए।
ऐसा नहीं कि मिसमैच होने का मतलब दूसरा किसी का फ़ोटो है, वो ऐसा नहीं है, आप ही का फ़ोटो है, पर ये जूनियर टाइम का फ़ोटो था, अभी आपका एडल्ट एज का फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर मिसमैच, अगर आप साइन चेंज करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में आप रेसिडेंस और ऑफिस दोनों दे सकते हो। ऑफिस एड्रेस अगर आप मेंशन करोगे तो यहाँ पे आपको आपका ऑफिस का जो नाम है वो देने होंगे। पॉइंट नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप कुछ एडिशनल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो तो रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अटैच करने हैं। पॉइंट नंबर 9 पे आपको टेलीफोन नंबर, कंट्री कोड, ईमेल आईडी, ये सारा चीज़ को यहाँ पे फिलअप करना है। पॉइंट नंबर 10 में आपको आपका आधार कार्ड का जो नंबर है वो देने होंगे, और आधार कार्ड में जो आपका नाम है जिस तरीके से लिखा गया है उसी तरीके से इस चीज़ को यहाँ पे फिलअप करना है। पॉइंट नंबर 11 में हम लोग देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि एक आदमी के पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड होना नहीं चाहिए, तो अगर आपके पास ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाता है जहाँ पे आपके पास 2 या 3 पैन कार्ड है, तो आप जो एक्स्ट्रा पैन कार्ड है उसको अगर आप सरेंडर करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो इसके लिए आपको PAN 1, PAN 2, PAN 3 में आपका जो एक्सेस पैन नंबर है वो आप यहाँ पे दे दीजिए, ताकि वो पैन कार्ड का जो नंबर है वो ऑटोमेटिक सरेंडर हो जाए। और फिर पॉइंट नंबर 12 पे आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन में आपको यहाँ पे अटैच करने होंगे कि आप जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो उसका नंबर कितना है। अगर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड दे रहे हो तो यहाँ पे आप नंबर में 2 लिखोगे, और यहाँ पे आप जो साइन कर रहे हो वो कौन से कैपेसिटी में कर रहे हो। जैसे अगर आप इंडिविजुअल हो तो हिमसेल्फ या हर सब लिखोगे, अगर आप कोई कंपनी के बिहाफ में करते हो तो पार्टनर या डायरेक्टर जो आपका रिस्पेक्टिव पोजिशन है वहाँ पे यहाँ पे मेंशन करोगे। यहाँ पे प्लेस और डेट देने होंगे, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने होंगे। और एक दो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैरिड वुमेन है उन लोगों का जब सरनेम चेंज हो जाते हैं तब नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो मैरिज सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये सारा कॉपी आपको इसके साथ अटैच करने होते हैं। दोस्तों आई होप कि आज का इस वीडियो से आपको पैन कार्ड करेक्शन, डुप्लीकेट पैन कार्ड, पैन कार्ड में कोई भी चेंजेस करने के लिए जो रिक्विजिट रूल है, जो रिक्विजिट फॉर्म है, उसके बारे में क्लियर कंसेप्शन मिल चुका है। ऐसे यूज़फुल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस संदर्भ में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।